अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी, आप सब की रिक्वेस्ट थी काफ़ी देर से और मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को कंबाइन करके अपनी वीडियो कम्प्लीट की है और आई होप आपको पसंद आएगी। दो वीडियो को मैंने इसलिए कंबाइन किया कि दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड थी। सो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने रमज़ान की डिकोर, उसके साथ साथ जो कि सब चाह रहे थे, जैसे कि मैंने अपना न्यू किचन बनाया है तो उसकी ही वीडियो मैं आज मैंने आप लोगों के लिए शूट कर ही लिया फाइनली। तो आज मैं अपना आपको कंप्लीट किचन टूर भी दूंगी, जो कि आप सब ने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा है और मुझे कभी कभी जो है ना मैं शर्मिंदा भी हो रही थी कि आप लोगों ने बहुत दफ़ा मुझे मैसेज किया है। यहाँ पे फाइनली मैंने अपनी वीडियो बना ली है और किचन को थोड़ा सा हम लोगों ने रमज़ान के मुताबिक डिकोर कर लिया था क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान आ चुके हैं और यहाँ पर इसमें जो है ना माशाल्लाह सारे बच्चियों ने हेल्प की थी और अपने अपने जो है ना स्टाइल के मुताबिक उन्होंने जो चीज़ें भी हम लोगों ने इतने सालों में सेव की हैं, स्टोर की हुई थी, उनको इकट्ठा किया आज हम लोगों ने। और रमज़ान में माशाल्लाह यही हम करते हैं कि जो चीज़ें हम लोग बाय करते हैं या कोई हमें गिफ्ट्स मिलते हैं तो हम लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से संभाल कर दोबारा बॉक्स में डाल देते हैं। नया साल जब आता है और हर रमज़ान कुछ नया परचेज़ कर लेते हैं और पिछली चीज़ें भी निकाल कर साथ ऐड कर लेते हैं। तो जनाबी यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने एक शेल्फ़ खाली किया है। ये शेल्फ हमारे पास पहले सीरियल बार था, हम यहाँ पे सीरियल वगैरह रखे हुए हैं, उसको मैंने अभी खाली कर लिया और सीरियल को उठाकर हमने पेंट्री में रख दिया क्योंकि रमज़ान के मुताबिक हम डिकोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ना शेल्फ़ को हमने डिकोर कर लिया था और ये बहुत ही प्यारे से जो है ना जनाब जी रमज़ान मुबारक का और ईद मुबारक के टाव थे, ये मैंने अभी यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर के जो है ना अपने ओवन के ऊपर डिफरेंट जो है ना टाव रखे होते थे, लेकिन अब रमज़ान की वजह से उसके मुताबिक ही जो है ना डिकोर किया। और डिकोर करते रहना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जब समर आए समर के मुताबिक कर लें, थोड़ा बहुत कर लें जिससे कि आपका मूड भी चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है। जब विंटर आए विंटर के मुताबिक कर लें और जब जो है ना स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग के मुताबिक। और माशाल्लाह से हमारा रमज़ान तो बहुत ही बरकतों वाला महीना है, तो हम उसको क्यों ना सेलिब्रेट करें और क्यों ना डिकोर करें। इसका क्या होता है कि बच्चों को भी इसमें आग होता है, बहुत सारा नॉलेज मिलता है उनको, उनके पास क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो करते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग घर में रहकर खुशियों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना भी बहुत ही खूबसूरत से डिकोर पीसेस थे जो कि हम लोगों ने अपनी आईलैंड पर रखे हैं। एक गोल्डन फैंसी फैब्रिक को हम लोगों ने यहाँ पर रनर के तौर पर यूज़ किया है और उसके साथ क्योंकि थीम हमारा यही है गोल्डन, सो हमने इसलिए गोल्डन कलर को चूज़ कर लिया था क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हमारे पास वही थी और हम वही कलेक्ट करते हैं, सिल्वर गोल्डन और आपको पता वाइट चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। हमारा आईलैंड वाइट था सो इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर गोल्डन फैंसी जो है ना फैब्रिक रनर के तौर पे भी छाया और उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे अपना मून एंड स्टार वाला ट्रे रखा है। इसके अंदर मैंने इस बार चेंज किया कि इसको हमने चॉकलेट से फिल किया है और इसके अलावा बहुत प्यारे क्यूट क्यूट से जो है ना ये रमज़ान डिकोर है, इसको मैं आगे डिटेल से दिखाती हूँ। दूसरे कमरे में चलते हैं, ये हमारा डाइनिंग एरिया है और मैंने कहा कि जी हम लोग इसको भी थोड़ा सा लाइट सा बस जो है ना डेकोर कर लेते हैं। अच्छा, ये लाइट्स हम लोगों ने यहाँ लगा ली, काफ़ी लंबी लाइट्स थी लेकिन मैंने इनको डबल हैंग किए ताकि ये जगह थोड़ी कम लें और आपको पीछे स्नो तो नज़र आ ही रही है कि अभी तक पड़ेंगे, जब तक स्नो क्लियर नहीं होगी व्यू भी इतना क्लियर नहीं होगा। सो है यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे का भी बैनर लगा हुआ था, हम लोगों ने उतारा ही नहीं था और आज हम लोगों ने फाइनली उतार दिया और यहाँ पर इसी वॉल को हम लोग अपने रमज़ान मुबारक के बैनर के साथ डिकोर करेंगे। और ये रमज़ान मुबारक का बैनर जो है ना हम लोगों ने खुद बनाया था, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने खुद ही बनाई हैं। इस कमरे में जो भी डिकोर करेंगे वो हम लोगों ने खुद ही बनाई हैं और ये रमज़ान मुबारक का बैनर हमने बनाया था आई थिंक 3 ईयर पहले और ये हमने बनाया हुआ है गिफ्ट पेपर के साथ और जो गिफ्ट बैग मिलते हैं ना गोल्डन ब्लैक हम लोगों ने खरीद लिया था। ये उस टाइम की बात है जब कोविड था, कोविड में कोई समझ नहीं आती, सब शॉप्स बंद होती थी तो तब रमज़ान आ गया था माशाल्लाह से, तो हमारे पास घर में जो है ना गिफ्ट बैग पड़े हुए थे लेके परचेज करके रखे हुए थे, उसी को हमने काट के ये प्यारा सा बैनर रेडी किया था और इसके बीच में जो हमने डोरी डाली थी ये मेरे पास लेस पड़ी हुई थी जिसके हालात हमने इसको बहुत प्यारी सी स्ट्रिंग बना ली थी। और ये भी पेपर हम लोगों ने जो ना वॉलमार्ट से बाय किया था और उसके साथ हम लोगों ने ये बहुत ही प्यारे क्यूट से फ्लावर बना लिए थे और हम लोगों ने एक थीम रख लिया था कि जी ये गोल्डन येलो और ब्लैक बनाएंगे वाइट बनाएंगे, ये जो है ना चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। इसी तरह उठाकर हम लोग इसको जो है ना दोबारा बॉक्स में डाल देते हैं तो जिससे कि ये बहुत ही सेफ रहती हैं और नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लगा लें ठीक है इस तरह
आई थिंक एंगल वाला अच्छा लगा। तो ये ऊपर लगानी है ना कि ये लगानी है ऊपर, यही लगेगी ऊपर राइट? सो और वाली ऐसे कर लेंगे वाला, ठीक है ऐसे ऐसे है भैया। ये वुडन कैनवस जो है ये मैंने रेडी करवाए हैं और ये मुझे आया है जनाब जी गिफ्ट था, और इसके एक कैनवस के ऊपर जो है ना सहूर की दुआ और इफ्तार की दुआ मैंने लिखवाई है, और दूसरा कैनवस जो है उसके ऊपर हम लोगों ने जो है ना फर्स्ट अशरे की दुआ, सेकंड अशरे की दुआ और थर्ड अशरे की दुआ लिखवाई है। और यहाँ पे हमने इसको डाइनिंग एरिया में इसलिए लगाया कि बच्चे यहाँ पे जो होता है इफ्तार और सहरी में यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ से उनको पढ़ने में जो है ना आसानी होगी। माशाल्लाह से इफ्तार की और सहरी की दुआ माशाल्लाह सब बच्चों को याद होती है, लेकिन जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अशरा इसकी दुआ जो है ना मैंने इसलिए यहाँ लगवाई है कि ये आराम से बच्चे इसको यहाँ से पढ़ सकें। और जनाब जी अब आ जाते हैं किचन का कंप्लीट टूर मैं आपको दूंगी और आई होप आपको पसंद आएगा। तो यहाँ फ्रंट पे हम लोगों ने ये बहुत ही प्यारा सा एक फैंसी लाइट लगवाई हुई है, और ये कपकेक, और आज जैसे मैंने आपको बताया ये मैंने आइलैंड जो था छोटा सा ये मैंने शेल्फ जो ये वाली है यहाँ पर हम लोगों ने अपना सीरियल बार बनाया हुआ था, और कॉफ़ी स्टेशन समझ लें ये दोनों ही हम इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और क्योंकि इसके ऊपर वाली जो कैबिनेट है इसके अंदर मैंने अपने किचन को ज़्यादातर कोशिश किया कि जो शीशे से जो कैबिनेट नज़र आती है वो मैं रेड कलर की उसमें चीज़ें जो ना ऐड करूँ। पता नहीं क्यों मुझे रेड कलर पसंद था, मैं चाहती थी मेरे सारे किचन में ज़्यादा चीज़ें रेड हों, लेकिन जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती जा रही हैं मैं उनको इस तरह रखती जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना अभी बाकी जो दो मिरर वाली कैबिनेट हैं और उसको वो मैंने स्टोव के ऊपर रखवाई हैं। और आप पता है इतना बड़ा किचन जब बनता है तो उसमें क्या होता है जी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिरर वाली शीशे वाली जो है ना कैबिनेट्स नहीं बनाते, जिनसे हमने बनवाया उन्होंने कहा कि आप ही आप सिर्फ तीन बनवा लें यही अच्छी लगती हैं। तो हमने अपने किचन को किया था वाइट गोल्डन और ब्लू ब्लू कलर, बहुत प्यारा, मैं भी सेंटर में दिखाऊंगी। आइलैंड के नीचे वाला जो पार्ट है वो हमने ब्लू कलर का बनाया था, और मैंने इसमें कोशिश किया कि मैं इसको गोल्डन और जो है ना वाइट के साथ रखूं, और कुछ चीज़ें इसमें मुझे रेड चाहिए, जैसे जैसे रेड आती जाएंगी मैं ऐड करती जाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादा चीज़ें गोल्डन ही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये क्यूट सा शैंडलियर लगवाया था, और ये यहाँ पे शैंडलियर जो थे वो मैं दो लेके आई थी परचेज करके, लेकिन फिर हमने पॉट लाइट लगवा ली छत पे, और फिर जो हमारा था काम जिनसे हम करवा रहे थे उन्होंने कहा कि आप ही एक ही शैंडलियर सेंटर में आप आइलैंड के लगवाएं वही प्यार लगेगा। तो यहाँ पर ये वाला सिंक एरिया ये फुल जो लंबी सी जो मेरी मेरा लंबा था काउंटर है ये वाला, ये मुझे बहुत पसंद है। किचन हमेशा मेरा ड्रीम था कि मेरे पास बड़ा किचन हो, लेकिन यहाँ पे किचन जो होते हैं जब आप घर बाय करने जाते हो बड़ा घर भी ले लो किचन इतना बड़ा नहीं होता। हाँ अगर आप कस्टमाइज करवाते हो कस्टम बनवाते हो तो फिर आप जितना मर्जी किचन बनवा लो अपनी जगह के मुताबिक। अब इस घर में जब हम लोग मूव हुए थे तो किचन अच्छा था, बहुत बड़ा था, काफ़ी ये पुराना घर है और इसको उन्होंने काफ़ी बड़ा किचन इसमें बनाया हुआ था, लेकिन उसका लेआउट कुछ इतना खास नहीं था। सो हमने इसको फिर अपने मुताबिक किया, और कुछ टाइम पहले तो हम लोगों ने इसको 5-6 महीने इसी तरह गुजार लिया जिस तरह का डिज़ाइन था, लेकिन फिर हमें चाहिए था कि थोड़ा सा मॉडर्न लुक लेके आए, तो हम लोगों ने अपना किचन चेंज किया है। और यहाँ पर हम सब की हमेशा से ख्वाहिश रही थी मेरी बच्चियों की कि हमारा किचन जो ना वाइट होगा, और फिर हम लोगों ने अपने हस्बैंड को और बच्चों ने पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया कि हमारा किचन जो ना वाइट करवा दें आप। खैर इसकी टेक केयर करना भी काम होता है, वाइट कलर का किचन को संभालना काम होता है, इसको नीट रखना ही चाहिए तभी ये साफ़ रखता है, ना तो थोड़ा सा डस्ट पड़ना नहीं और वाइट कलर को ज़्यादा शो लग पड़ता है। तो ये वाला एरिया जो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये बिल्कुल स्टोव के साथ है, और यहाँ पे मैंने अपनी वही चीज़ें रखी हैं जो कि मुझे डेली रूटीन में ज़्यादा चाहिए होती हैं, और इसके बिल्कुल साथ ही जो है ना फ्रिज है, फ्रिज को बच्चों ने अपनी जो है ना चीज़ों से डेकोर किया, और ये सब चीज़ें जो है ना तहिरा ने खुद बनाई हुई हैं, पार्लर बीट आते थे उनके साथ उन्होंने ये बनाई है, और यहाँ पर मैंने फ्रिज पे इसको लगाया मैग्नेट के साथ। स्टोव के ऊपर वाली इस कैबिनेट में मैंने लगाया रेड फ्लावर के साथ, मैंने ये वाज लगाया रेड फ्लावर
ऐड किए हैं इसके अंदर, और ये क्यूट क्यूट से मेरे पास एप्पल पड़े हुए थे वो मैंने ऐड किया, और आप जैसे कि वो छोटे छोटे कप नज़र आ रहे हैं बहुत ही प्यारे, मक्का मदीना की पिक्चर्स बनी हुई हैं उसके ऊपर, ये मुझे गिफ्ट मिले थे तो मैंने यहाँ ऐड किया कि ये इनकी कोई भी बेहरमती ना हो इनकी पिक्चर्स की, तो मैंने इनको ऊपर रखा हुआ है। और बस नाब जी, जो मैं आपको बता दी थोड़ी डिटेल, ये सामने जो आपको डोर नज़र आ रहा है एक लॉन्ड्री एरिया है, और इसके साथ जो आपको बड़ी सी एक अलमारी सी नज़र आ रही है ये पैंट्री हमारी है, और ये हम लोगों ने इस जगह पर पहले हमारी फ्रिज लगी होती थी, और इस फ्रिज वाली जगह को हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया है अपनी पैंट्री में। और ये हमें आइडिया जो था ना मेरी बड़ी बेटी ने दिया कि मम्मा हम आज की जगह चेंज करते, क्योंकि हम पूरा किचन जो है ना रीमॉडल कर रहे हैं, सो हम लोग क्यों ना वाई नॉट कि अपनी पैंट्री को यहाँ पर एडजस्ट कर लें, और ओवन के साथ जो हमने अपना फ्रिज ऐड करवा लिया था। और ये वाला जो एरिया था यहाँ पर पहले ब्रेकफास्ट एरिया होता था, और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने डाइनिंग टेबल लगाई हुई थी। अब इसको हमने बड़ा सा आइलैंड, और ये बहुत बड़ा आइलैंड है माशाल्लाह से, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लू कैबिनेट साड़ी ड्रॉ ये ब्लू कलर के हैं हमने करवाए थे, और इसके इस आइलैंड के जो है ना दोनों साइड पे जो है ना कैबिनेट्स हैं और ड्रॉ बनाए हुए हैं। और मैंने जो जितने भी दराज बनवाए हैं वो मैंने बड़े बड़े बनवाए हैं, मैं किसी दिन अब इसकी जो है ना अंदर से भी आपको लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको जो अंदर से कैबिनेट्स की लुक है वो किसी अनदर वीडियो में बना के दिखा दूंगी। यहाँ पर जो है मैंने सारे वो बर्तन लगाए हैं जो कि मुझे कभी कभी चाहिए होते हैं, मैंने वो लगा दी थी क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पे है। स्टोरेज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। स्टोव के नीचे जो मैंने दराज बनवाए थे वो मैंने काफ़ी चौड़े बड़े बड़े बनवाए थे, इसके अंदर मेरे सारे पॉट पैन आ जाते हैं, और डिस्पोजेबल बर्तन भी मैंने सबसे नीचे वाले खाने में लगाए हुए हैं। और इसके अलावा जो है ना सिंक का भी मैं बताऊंगी, अभी लुक भी दिखाती हूँ सिंक मैंने कैसा लगवाया। सिंक की मेरा हमेशा से होता था कि विंडो के पास मेरा जो है ना बर्तन धोने का जो स्टेशन हो वो सिंक मेरा विंडो के पास हो, लेकिन मैंने दो घर चेंज किया है तो ऑलवेज यही होता था कि विंडो के पास नहीं होती। विंडो के पास होने से क्या होता है कि आप थोड़ा सा बाहर बर्तन धो देते ना, बाहर जो अपना सन स्काई इन सब चीज़ों को देख लेते हो, और आपको थोड़ा सा रोशनी से अच्छा लगता है, मेरी तो फीलिंग यही है। और यहाँ पर जी अब हमने जब अपना किचन अपना सिंक चेंज किया था, किचन बनवाया था, तो मैंने इसको विंडो के पास करवा लिया था, जिससे क्या हुआ था कि किचन और बड़ा लगने लग पड़ता है। तो है यहाँ पर ओवन और माइक्रोवेव जो हम लोगों ने कम्बो मंगवाया था, इसके ऊपर वाली स्पेस जो है ये खाली है, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक ड्रॉ बनवाना है, क्योंकि जब हमारा किचन कम्प्लीट हो गया था उसके बाद ये हमें डिलीवर हुआ था हमारा ओवन और माइक्रोवेव, तो उसके मुताबिक ये बॉक्स बना हुआ था। अब यह है कि इंशाअल्लाह जल्द ही हम इसको भी फिल करवाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरा कवर होना चाहिए। तो नाबी ये हमारा किचन की कंप्लीट लुक, आई होप आपको पसंद आई होगी, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो ये सिंक है ये मैंने फुल लगवाया था, हाफ एंड हाफ भी होता है, लेकिन मैं फुल चाहती थी, क्योंकि फुल में क्या होता है कि आप बड़े बड़े पतीले भी धो सकते हो, बड़ी पतीली धोने में मुश्किल नहीं होती, तो मैंने इसलिए फुल रखवा लिया था। और ये जो है ना मैट मैंने इसमें बिछाए इसलिए हुए हैं ये, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका सिंक में स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, और मैंने यहाँ पे इसलिए ये रखवाए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको अपना ट्रैश कैन भी दिखा देती हूँ, गार्बेज बिन जो है ये मैंने इस तरह बनवाई थी। अच्छा, मैंने उनसे कहा था कि भाई आपने मुझे दो बिन जो है ना वो लगा के उसका जो है सेटअप करके देना है, लेकिन हैर ये जो होता है ना काम बहुत खराब करते हैं काम करने वाले, इनको कहो कुछ करते कुछ हैं टाइम टाइम पर जल्दी जल्दी में सब कुछ करके ना फाड़क हो जाते हैं। खैर उस टाइम पे उन्होंने कहा आप ही कि हमने यही इस तरह सेटअप कर बनवा दिया आपका, तो अब आप इसी से गुजारा कर लें। तो मैंने खैर यहाँ पे ये अला हमारा जो बास्केट जो है ना ये यहाँ पर एडजस्ट करवाई थी, और ये वाला हमारा काउंटर टॉप स्टोव जो था ये भी हम लोगों ने नया बनवाया, और मैंने अपना बिग साइज़ का बनवाया था। यहाँ पर जो है ना इसको ऑर्डर पे मंगवाना पड़ता है, और हम लोगों ने ये तकरीबन 6 महीने पहले ऑर्डर किया था, जब हम लोगों ने सोचा था कि हम किचन बनवाएंगे, तो हर टाइम पे ये हमारे पहुंच गया था। तो कैसा लगा आपको हमारा किचन का टूर, आई होप पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं, और मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करूँगी। ये मैंने कहा चले दिखा दूँ नाइट में कैसी लग रही है, लाइट्स लगी हुई और अंधेरे में तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि पीछे से जना स्नो नज़र नहीं आ रही। आप एक्चुअली स्नो से हम लोग हो गए हैं, अब
तंग आ गए हैं क्योंकि काफ़ी महीने हो गए सुनो देखते हुए, मेरा इंतज़ार है बाहर का कि आ जाए जल्दी से और हम थोड़ा सा बाहर निकले, ना तो घर के अंदर रह रहे हैं कि ना बिल्कुल बोरियत होने लग पड़ती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला, और मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पर भी बहुत प्यारे प्यारे से मैं कंटेंट लेके आती हूँ, तो उसमें भी मुझे ज़रूर पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज पर भी।